आज मेरे इस ब्लॉग में मेरा एक सपना जो बचपन का जो अधूरा था, मैं उसे साकार करने के लिए माँ और भगवान का आशीर्वाद लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं और मेरे एक भाई विनीत, मेरे ऑफिस कलीग, हम लोग दोनों एक साथ आए हैं। मेरे लिए मेरा जो सपना है, मैं एक गिटार बजाऊँ, मैं यहाँ पे एक नया गिटार लेने के लिए आया हूँ। इस तरह का कोई दुकान में मैं पहली बार आया था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे कि मैं आज मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए एक गिटार खरीदने मैं आया हूँ। इस जगह पे मैं आया हूँ, इस जगह का नाम है इच्छापुर। नहटी से 16 किलोमीटर दूर मैं इच्छापुर में आया हूँ। गिटार एक झल्लाहट वाला संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें आमतौर पर 6 तार होते हैं। गिटार को एक कॉर्डोफोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि ध्वनि दो निश्चित बिंदुओं के बीच फैली एक कंपन स्ट्रिंग द्वारा उत्पन्न होती है। ऐतिहासिक रूप से गिटार का निर्माण लकड़ी से किया गया था, जिसके तार कैटेगट से बने होते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं शताब्दी के अंत के पास स्टील गिटार के तार पेश किए गए थे। 1940 के दशक में नायलॉन के तार आए। आधुनिक गिटार के 3 मुख्य प्रकार हैं: शास्त्रीय गिटार, स्पेनिश गिटार, नायलॉन स्ट्रिंग गिटार। स्टील स्ट्रिंग ध्वनिक गिटार या इलेक्ट्रिक गिटार और हवाई गिटार खिलाड़ी की गोद में बजाया जाता है। आधुनिक शब्द गिटार और इसके पूर्ववर्ती शास्त्रीय काल से विभिन्न प्रकार के कॉर्डोफोन पर लागू किया गया है और इस तरह भ्रम का कारण बनता है। अंग्रेजी शब्द गिटार, जर्मन गिटार और फ्रेंच गिटार सभी को स्पेनिश गिटार से अपनाया गया था, जो अंडालुसी अरबी और लैटिन सिथारा से आया है, जो बदले में प्राचीन ग्रीक से आया है। किथारा बाइबल में 4 बार आता है और आमतौर पर इसका अंग्रेजी में वीणा के रूप में अनुवाद किया जाता है। यद्यपि स्टील स्ट्रिंग ध्वनिक गिटार अब पूरी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में माना जाता है कि उसने इन गिटारों में से पहला बनाया है, वही ईसाई फ्रेडरिक मार्टिन 1796 से 1867 नामक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जर्मन आप्रवासी था। उस समय गिटार में भीड़ की आंतों से निर्मित तथाकथित कैटेगट स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप लोग जो देख रहे हैं, यह एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र जिसमें तार, जो कि आमतौर पर 6 होते हैं, के बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिक गिटार में विद्युत प्रवर्धन इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन की मदद से ध्वनि उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिक गिटार को बेस गिटार भी कह सकते हैं। जिंदगी का बहुत बड़ा एक सपना मेरा जो था, वो आज हकीकत में बदला। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों को बोल के हम जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा एक सपना बचपन से, ये आज मेरा जो सपना था ये गिटार खरीदने का, तो वो आज बहुत ही अच्छा लगा। आ चुके हैं फिर एक नए घर में। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर अच्छा सा गिटार है, और ये जो अंकल है यहाँ के, ये मालिक है, और मैं अपना गिटार लिया हूँ ये इस अंकल से। बहुत ही अच्छा, मैं थोड़ा बजा के भी देख लिया। मैंने इलेक्ट्रिक गिटार भी है, प्लस एक्यूस्टिक जो गिटार आपको चाहिए, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है, और मेरा बहुत बड़ा एक सपना जो पूरा हुआ ये अंकल की वजह से। थैंक यू अंकल, थैंक यू काका, थैंक यू। हम लोगों का नया गिटार घर लेके आ चुके हैं। मयंक बहुत ही खुश है और मुझे भी बहुत ही खुशी मिल रही है। ये एक मेरा बचपन का बहुत ही अच्छा एक सपना था कि मैं कभी गिटार बजाऊं या गिटार सीखूं। बहुत सालों बाद जब मेरा बेटा अभी सीखने का टाइम है, अभी मैं अपने लिए गिटार लेकर आया हूँ। वैसे यहाँ पे मैंग भी सीखेगा गिटार में, और मामा भी थोड़ा बजा के देख लिए। आती है
ऊंचे ऊंचे पर्वत देखे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन पते हरी गली हरी जाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मम्मी भी यहाँ गिटार लेके बैठी हुई है, कैसे लगा मम्मी? खूब भालो है जी, खूब भालो है जी। अरे ये मामी, मामी भी बोल रही है बहुत ही अच्छा हुआ है गिटार, बहुत सुंदर है जी, मजा लगे भले लगे। अरे यहाँ मेरे बड़े मामा भी बैठे हुए हैं। तो चलिए आज का हम लोग का जो ब्लॉग है यहाँ पे समाप्त करने का टाइम हो चुका है। अगर आज का मेरा ब्लॉग गिटार वाला ब्लॉग गिटार लेके मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। एक मिनट रुके रुके, गिटार में चक्कर थे, एक चीज भूल ही गए, लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं तो इसमें किसी का गिटार होगा तो उसका एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। ओके बाय।